लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव किया और मुकेश नायक को कांग्रेस के मीडिया विभाग का अध्यक्ष बना दिया। पद संभालने के बाद नायक ने कहा कि जिम्मेदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा और कांग्रेस के नेताओं ने पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर मुकेश नायक का सम्मान किया। इस मौके पर मुकेश नायक ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है और सामने लोकसभा चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि कल मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस से आए लोग नेता गीला और सूखा कचरा हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सुरेश पचौरी, दीपक सक्सेना, पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उनमें से कितने लोग गीला कचरा है और कितने लोग सूखा कचरा। कल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मंत्री ने, प्रहलाद पटेल ने ये कहा है कि कांग्रेस से जो आए हैं वो आधे लोग गीला कचरा है और आधे लोग सूखा कचरा है। मैं बहुत उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय सुरेश पचौरी जी, भाई दीपक सक्सेना जी, पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह नागौत समेत जितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसमें से कितने लोग गीला कचरा है और कितने लोग सूखा कचरा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।